नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अमेठी और रायबरेली सीट जिस पर सस्पेंस चल रहा था, अब उस सस्पेंस पर पूर्ण विराम लग चुका है। पार्टी ने रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को अपने कैंडिडेट बनाया है। दोनों नामों की लिस्ट आ चुकी है। राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते थे, इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद बीजेपी के खेमे में जोरदार हलचल हो रखी है। बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं, उसी तरह जिस तरह कांग्रेस के नेता बौखला उठते हैं। और इस बार कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का कहना है कि गांधी परिवार जहां से हारती है वहां फिर दोबारा जाती ही नहीं है। जैसे अमेठी को छोड़ दिया, अब रायबरेली भी हार जाएंगे तो अगली बार रायबरेली भी छोड़ देंगे, ये कहना है गिरिराज सिंह का। इतना ही नहीं, बीजेपी का ये भी कहना है कि राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं और इसी वजह से इस बार वो रायबरेली से लड़ने वाले हैं। दरअसल रायबरेली से उम्मीदवारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह का भी कहना है कि राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं और इसी वजह से वे रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि पहले उन्होंने अमेठी से हार स्वीकार की, अब वे वायनाड से भाग रहे हैं। वे हालात ऐसे बन चुके हैं कि कांग्रेस की जो पारंपरिक सीट, जो अमेठी कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, उस पर कांग्रेस का या कहें कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति लड़ना ही नहीं चाहता। राहुल गांधी को भी रायबरेली छोड़ना होगा और जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देगी, वे रायबरेली में हार जाएंगे, ये दावा है बीजेपी के तमाम नेताओं। फिलहाल अब जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार हमलावर रुख लिए हुए हैं और जिस तरह से लगातार कांग्रेस पर एक तरह से निशाना साध रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।